ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ संत गुरमुख ये वख-वख मरातबे ने रुतबे ने। कई बार सवाल खड़ा हो जाता भी तुसीं भगतां नूं सतगुरु लफ्ज़ नाल संबोधित नहीं करते। उहदा मुख कारण यह है भी गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी भी भगत दे नाल गुरु लफ्ज़ नहीं आया। तो जो बाणी ने प्रगट रखिया है असीं उस तरह ही चलते हैं। यह सिक्खी का सिद्धांत है। दूसरा पक्ष यह है भगतां महापुरुषां की बाणी पढ़िओ, चाहे कबीर जी महाराज ने चाहे रविदास जी महाराज ने। वो कहंदे असीं बंदगी करके परमात्मा तक पहुँचे। जिथे गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह की गल है, उत्थे बाणी दे बोल ने, भट्ट साहिबाना का कथन है। सामने जो उन्हां वेखिया उन्हां बयान किया। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। गुरु अर्जन साहिब प्रकाश तो ही ब्रह्म स्वरूप हो, प्रकाश तो ही परमेश्वर हो, समुंदर हो। तुहानूं भगती की लोड़ नहीं। जेड़ा भगती करके पहुंचया है अकाल पुरख ताई भगत है। ते जेड़ा आप अकाल पुरख है गुरु अर्जन प्रतख हर। गुरु अर्जन इज दा प्रिवेडिंग लॉर्ड, खुद खुदा है। उहदे नाल असीं सतगुरु लफ्ज़ वरतदे हैं। पर ये भगत संत सारे सागर दा रूप हो गए। जिहड़ियां नदियां सागर च मिलियां गुरु दा रूप हो गए। लफ्ज़ फिर वही वरते जाते ने जो गुरबाणी दे विच दर्ज ने। इहदे नाल कोई ऊच नीच की भावना ना बना लिओ मन विच। भगत दे दो पक्ष ने। एक ते है सेवा करनी उपासना करनी। भगत भज तो बनता है। भज का मतलब है मुशक्कत घालनी, अकाल पुरख की सेवा करनी। दूसरा भगत का भाव है बंदगी करनी, परमात्मा दे गीत गाने, परमात्मा दे प्रेमी नूं जो प्रीतम परायण है उसनूं भगत के आ जाता है। उन्हां दी डेफिनेशन बाणी विच है भगत रद है एक रंग गोबिंद गोपाल। जिहड़े भगत ने वो परमात्मा नूं धिआउंदे ने एक रस। रंग दा मतलब है प्रेम। संसार नाल जिहदा प्रेम नहीं है, निरंकार नाल प्रेम है, उसनूं भगत किहा जांदा है। राम नाम धन संचिया जाका नहीं सुमार। भगतो जिहदे कोल नाम धन दा खजाना है, जिहदे कोल भगती दे खजाने ने, जिन्हों नाम तो बिना कुछ चंगा नहीं लगता। भाई नंद लाल जी ने ये अवस्था बयान की है। खुश नमे आयद मरा गाहे बगैर अज याद हिक। ता हदीसे इश्क ओ अंदर दिलम आवा गिरफ्त। फारसी दे बोल ने। गुरु गोबिंद सिंह दे हजूरी कवि कहंदे ने तद तो मैनू कोई भी चीज़ चंगी नहीं लगती जदों तो वाहिगुरु दे सिमरन दा रस आ गया है। जदों तो परमात्मा दे नाम दा रस आया है, उहदी कथा ने मेरे दिल अंदर जगह बनाई है। मैनू हुण संसार दी कोई वस्तु रसदायक नहीं लगती। यह है भगत दी अवस्था। यह रस छाड़े ओह रस आवा, ओह रस पिया यह रस नहीं पावा। जिहदे कोल हीरा होवे ना उह कच नूं सुट दिंदा है, जिहदे कोल अमृत है उन्हें पानी की करना, उन्हें शहद की करना है। जिन्हों नाम दा रस आया उन्हें संसार दा रस की करना है। शब्दों ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सची होए विचों हो आप गया नाउ मन्या सच मिलावा होए। भगत भगती करदे करदे परमात्मा नाल मिल जाते ने। हर हर नाम जन की पत होए, सफल तिना का जन्म है तिन मानै सब कोए। हुण नाम जपण करके जन्म सफला कर गए ते उन्हां नूं दुनिया सजदा करदी है, चुकदी है। एक इंसान दी भगती करके कीर्ति इन्नी बुलंद है, रुतबा इन्ना उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे मानस ते देवते भए, सच्ची भगत जिस दे हौमै मार मिलायन। गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वड्याई दे। जगिआसू गुरु दे दर ते जांदा है, शब्द दा उपदेश लैंदा है, शब्द दा फिर अभ्यास करदा है। कहंदे देवतियां वर्गी ओदी वड्याई, लोक ओदा बड़ा अदब सत्कार करदे ने। गुरु दे शब्द दे अभ्यास दे नाल एक दिन ओदी शोभा खंडां ब्रह्मंडां विच फैल जाती है, ओदी वड्याई फैल जाती है। इत्थे भाव समझियो गुरु तो बिना भगती नहीं प्रवान। तुसी घर बैठ के किताबां पढ़ी भी जाओ ते थोड़ा भी तुसी कोई डॉक्टरेट कर लोगे, डिग्री हासिल कर लोगे, तुहानू दाखला लेना पैना है, मुर्शद धारना पैना है, फिर किधरे मरातबे मिलते ने। गुरु धारन तो बिना कोई संत का मरातबा, भगत का रुतबा नहीं पा सकता। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्म है नारद है वेद व्यास है कोई। कहते छोटे मोटे लोगों दियां ते छड्डो, ब्रह्मा जी नूं पुछ लो किड्डे वड्डे देवते ने, नारद मुनि नूं पुछ लो, वेद व्यास वर्गे विद्वाना नूं पुछ लो, गुरु तो बिना गल नहीं चलेगी। हुण जिहड़े भगत रविदास जी ने इन्हां गुरु रामानंद धारिया सी, उहदे तो उपदेश लैके ये भगत प्रगट होए ने। भगत रविदास जी का आगाज 1376 ईस्वी भाव 1433 विक्रमी संमत बनारस विच हुंदा है। भागां वाले माता पिता ने राघव जी ते माई करबिनिया। एक विद्वान होया है आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद, उन्हें रविदास दर्शन दे विच लिखिया है 1433 की माघ सुदी पदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। डेट ऑफ बर्थ का जिक्र करके नाल कहंदे ने दुखियां दा दर्द हरन वाले, परमार्थ के रस्ते ते तोरन वाले भगत रविदास जी महाराज का आगाज होया। आप भगत रविदास जी कहते हैं दुनिया दे विच मेरी जिहड़ी श्रेणी है वह चमार है, मेरी जिहड़ी जात है वह जिक्र करते हैं अपनी बाणी च। इत्थे कई बार ये मुश्किल आ जाती, कह दिंदे जी गुरबाणी विच जात पात की गल नहीं है, तुहानूं भुलेखा पिया है। जात पात का जिक्र आप भगतां महापुरुषां ने कीता है, जात पात का खंडन इस करके है भी इन्ना श्रेणियां करके किसी नूं उच्चा नीवा नहीं तुसीं कह सकते, सारे एक ही चम तों बने ने। जिहड़ा चम ब्राह्मण नूं लगा, जिहड़ी मिट्टी दा भांडा ब्राह्मण बनया है, उसे तो ही तो चमयार बनया है। शूद्र वैश्य छत्री सब एक मिट्टी दे बने ने। सिक्खी कहती है करतूत करके बंदा नीवा है, ते चंगे कर्म करके बंदा उच्चा है। तो जिहड़ी जात है ये तो कबीलियां दियां वंडां नूं संबोधित करदी सी, इहदे विच कोई बुराई नहीं है। बुराई साडे जहन च जदों जात करके नीवा उच्चा गिणदे आ। आ 12 मिसलां भी तो जातां दे नां ते ही बणीआं। खालसे दा राज जिन्हां कायम कीता, रामगढ़ीए आलूवालीए, ये सब मिसलां सन। अज भी बुंगे इन्हां दे नां ते बणे ने, रामगढ़ियां दा बुंगा वेखो। फिर किथे लफ्ज लै जाओगे। गुरु रामदास पातशाह लई सोढ़ी लफ्ज आया गुरु ग्रंथ साहिब च। गुरु अमरदास पातशाह लई भले लफ्ज आया, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनिया वै। सो रविदास जी कहंदे ने, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओशा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। कहते मैनू ब्राह्मण ने कहता तेरी नीवीं जात है, तेरी पत कोई नहीं, इज्जत कोई नहीं है दुनिया ते। आखन लगे, ऐ अकाल पुरख, मैं तेरी शरण हाँ। ये बनतर सारी तू बनाई है, इहदे विच बुराई की है? जिथे चाहे कोई फुल उग जावे, उहदा कर्म खुशबू ही देना है। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। जगह जगह उन्हें क्या है, लोगो जात तो मैं चमार हाँ। भगत रविदास कहते, मेरे जहन विच परमात्मा दा नाम टिकिया, मैं उहदे गीत गाउणा है। हुण कुल परंपरा अनुसार रविदास जी चमार ने, ते चमारां दा कर्म सी डंगरां नूं धोणा, खल उतारनी। ये नित दा कर्म सी उहनां दा। उहनां अपनी किरत बारे भी लिखिया है, मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता, नित है बनारसी आस पासा। भगत जी कहते ने, मेरी जात दे लोग चम कुटन ते वड्डन दा कर्म करते ने, ते बनारस विच आसे पासे वह खिलरे होए ने, मोए पशुआं नूं ढोंदे ने। कहते याद करके नीवा क्या सी मैनू ब्राह्मण ने, जदों तो भगती कीती है। अब विपर प्रधान ते करह डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। कहते हुण सब तो उच्ची जात अखवाउण वाले ब्राह्मण डंडौत करते ने, मैनू मत्था टेकते ने। ये अकाल पुरख तेरे नाम की बरकत है। वैसे जे चमार लफ्ज दे अर्थ पढ़ो ते चमदा बनिया हर कोई चमार है, चमदा ही साडा कारोबार है। हुण चमार कह के किसी नूं दुरकारना ठीक नहीं है। इहदा अर्थ बड़ा गहराई भरिया। जिहड़े दुकारदे रहे ने ना, उहनां लई रविदास जी ने बड़ा सुंदर लिखिया, चमरटा गांड ना जनई, लोग गंढावे पनही। कहता मैं ते जुत्तियां ही गंढदा है। असल चमयारे लोग ने जिन्हां चम नाल गंढ पा लई है, ते ही चमदा करदे ने, चम नूं ही सवारी जांदे ने। मन सवारिया ही नहीं, चौंकड़ा लाया ही नहीं, रब दे गीत गाए ही नहीं। चम जिन्ना चाहे सवार लिओ, कहंदे इन्हें पनही तले, जुत्तियां तले रुल जाना है। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौं बिन गांठे जाए पहुंचा। लोकां सारा ही जीवन चम नूं गंढण विच सवारन विच लाया। आपां वी कई बार वेख्या, 4-4 घंटे बंदा शीशे अगे ही खलोता रहिंदा वी, ये यूसुफ जम पिया है, इहदे वर्गा कोई सोहना ही नहीं। भावना ये हुंदी मन विच, ये नहीं भी तुसीं शरीर की सांभ संभाल ना करो। सानू हुक्म है कलगीधर पातशाह दा, इशनान करना, केस पाने, सोहणे वस्त्र पाने, सज धज के रहना। पर इहदा मतलब यह नहीं भी सारा दिन ही तुसीं सजदे धजदे ही रह जाओ ते नाम नूं सजाया। जो गुरु देव ने साडे अंतश करण विच है, उस सजे हुए नाम नूं ध्या के अपने मन नूं सजाया ही ना, शोभनीक बनाया ही ना, ये जीवन अजाई चलिया जाएगा। रविदास जी कहते लोग चम नूं ही सवारदे रह गए, मैं चमदा ते नहीं कीता, मैं मन नूं सवारदा रहा, नाम मैं जपदा रहा। रविदास जपै राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा। जिहड़े चम नूं सवारदे रहे जमा दी फाही पै गई, जमण मरण पै गया। कहंदे मैं मन सवार लिया, मैं मुक्त हो गया, मैं मन सोहना कर लिया। मन किहदा सोहना है, मन किहदा साफ है, जिथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मैल नहीं है। ते मैल नाम जपिया ही लैंदी है, होर कोई तरीका नहीं है। रविदास जी कहते सारे चम दे मोह विच फसे हुए चमियार ने मैनू चमियार कह के कहते क्यों नीवा कहते हो। मैं ते मन नूं सवारदा हाँ, चम वल ते ध्यान ही नहीं दिता कदे। तो इदां उन्हां दे बड़े शब्द ने बाणी दे विच। वो महापुरुष सांझी वालता दा उपदेश करते सन। कहते राजा राज भाग इदा दा चाहिदा है जिथे कोई चिंता ना होवे, कोई किसे नूं फिकर ना होवे, कोई किसे नूं खौफ ना होवे, सब दे बराबर हक होण, किसे बेकसूर नूं तंग ना कीता जावे, कोई किसे नूं गुलाम बना के ना रखे। मैनू इदा दा राज भाग शहर चाहिदा है जिथे मित्रा भाव होवे, सारे एक दूजे नाल प्रेम करन, जिथे सारियां नूं विद्या पढ़न दा अधिकार होवे, सारियां दा रोजगार जिथे चलदा रहे। बड़ा सुंदर उन्हां दा शब्द है, बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अंदोहो नहीं तेह ठाओ। ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। इदां दा राज भाग वो चाहुंदे ने, क्योंकि उन्हां दे समें ब्राह्मण अज भी मंदिर विच शूद्र नूं विद्या नहीं सी पढ़न दिंदा। कहंदे छतरी ब्राह्मण ही पढ़ सकदे ने। अज जिन्ने भगत बाणी च बैठे ने, ब्राह्मण की वंड अनुसार तकरीबन सारे शूद्र ने, एक अद्धा छड़ के। ये कोई भी गुरुकुल नहीं गया, कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़िया। वो जिहड़ा चौंकड़ा लाया बंदगी कीती, उहदे चों ही विद्यावां प्रगट होईयां। ऐसे ऐसे महंगे लफ्ज ने संस्कृत दे, हिंदी दे, ब्रिज भाषा दे, रविदास जी दे, कबीर जी महाराज दे, जिहड़े बड़े बड़े अज दे प्रोफैसर भी प्रगट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है भी दुनियावी विद्या जिन्हों ने पढ़ी है ना, वो जीवन जाच सीख गए, जीवन सोहना गुजार सकते हैं, पर परमार्थ का रस्ता नहीं मिलेगा, वो भगती नाल मिलना है। तो भगत दुनियावी विद्या पढ़े भी नहीं, भगती चों ही सारियां विद्यावां प्रगट हो गईयां। तो कदे भी किसी संत नूं, भगत नूं, महापुरुष नूं इउं कह के नीवा ना दिखा दिओ भी ये ते भांडे ही मांजदा रहा, सेवा ही करदा रहा, इहनूं किथे जपजी साहिब दे अर्थ आउंदे होणे ने। जिहड़े तूं अर्थ जाणदा उत्ते दुनियावी पिंगल ग्रामर अनुसार ने। जिहड़े महात्मा अर्थ जाणदे ने उह उन्हां कमाए होए ने। जिवें हाथी दे पैर च सारियां दे ही पैर, ब्रह्म विद्या विच सारियां ही विद्यावां प्रगट हो जांदियां ने। बड़ी बल्ले बल्ले हो गई बाबे रविदास दी। चित्तौड़गढ़ दी राणी नूं पता लग्या, उन्हें भगत रविदास जी नूं गुरु धार लिया। कुछ ऐसे कौतक वरताए ने भगत जी ने उस राणी दे सामने, मुरीद हो गई। ब्राह्मण ने राजे नूं आख्या, राजा एक शूद्र नूं गुरु मान लिया है तेरी राणी ने, ये ठीक नहीं होया, ये मर्यादा की उलंघना है। कहंदे रानी ने सोचा भी ये ब्राह्मणा ने सताणो नहीं हटना, ब्रह्म भोज रखा गया भी इन्हां सारियां नूं रविदास जी की ताकत दे रूबरू कर देनी है भी कैसी बुलंद हस्ती है उन्होंने। ब्रह्म भोज दे विच सारे ही ब्राह्मण आए। जदों रविदास जी आए पंगत विच बह गए तो सारे ही ब्राह्मण पंगत चों उठ गए भी असीं इस पिटे हुए दे नाल भोजन नहीं छकना, जे सानू भोजन छकाउणा है साडी पंगत वखरी लगेगी, भोजन वखरा रसोई वखरी तैयार होगी, इनू विचों उठा दिओ। रविदास जी आप ही उठ गए। आप उठ के किनारा कर लिया। हुण जात अभिमान दे विच ब्राह्मण ने ते जदों ब्रह्म भोज करन लगे एक ब्राह्मण कहंदा है रविदास फिर नाल ही बैठा है। उधरों दूजा बोलिया रविदास मेरे नाल भी बैठा है। सारी पंगत विच रौला पै गया, हर ब्राह्मण दे नाल एक रविदास बैठा होया है। जिन्हू किनारे ते कीता है वो कल्ले कल्ले ब्राह्मण दे नाल पास बैठा है। कहंदे ब्राह्मण चरनी पै गए सन करामात वेख के ते रविदास जी दे अखां च वैराग आ गया। एक कौतक परमात्मा ने वरताया और शब्द उचारिया, उन्हां अपना सत्कार हुंदा वेख के ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवार गुसैया मेरा माथे छतर तरै। जिन्हां गरीबां नूं सावें वेख के ब्राह्मण कहिंदे सी असीं पिटे गए, मैले हो गए, ये अकाल पुरख तेरी नदरे नियामत है भी उन्हां गरीबां दे सिर ते भी वड्याई दा छतर झुला देना है। अज सारी काशी दे ब्राह्मण मेरे चरनां विच झुके पए ने। नीचो ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। नीवियां नूं उच्ची हस्ती बना देना, बुलंद रुतबा बख्श देना अकाल पुरख की कृपा है। नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तरै। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरै। परमात्मा सब कुछ बख्शण वाला है, कोई भी तेरे मन की मुराद है पूरी कर दिंदा है। नीवियां नूं उच्चे कर देना, खालियां नूं भर देना ते भरियां नूं खाली कर देना उहदी ताकत है। बड़ी रविदास जी की महिमा हुई सी। पर ईर्खा बड़ी हुंदी है श्रेणियां विच जातां दे विच। एक दिन जुत्तियां गंढण ते एक ब्राह्मण आ गया, उन्हें जुत्ती गंढा लई ते जुत्ती गंढवा के उन्हें एक दमड़ी दिती। उदों करंसी जिहड़ी चलदी सी। दमड़ी लैके रविदास जी ने पूछ लिया, दमड़ी वैसे पैसे दे चौथे हिस्से नूं आंदे ने, भी ब्राह्मण जी किथे चले हो? तो ब्राह्मण आखण लगा मैं गंगा इशनान करन चलिया। ते भगत रविदास जी कहंदे मैं भी नाल चले जाना है। ब्राह्मण आखण लगा तुसी शूदर हो, जल विच चुभी लाउंदियां ही जल मैला हो जाएगा। किसी ब्राह्मण ने गंगा इशनान नहीं करना, जदों तुहानूं नहाउंदियां नूं वेख लिया सारे पिटे जावांगे। रविदास जी हस पे कहंदे कोई गल नहीं, मैं इशनान नहीं करांगा, मैं जल नूं नहीं मैला करदा, मैं वैसे तुहाडे नाल चलिया चलदा है। कोई विद्वाना महापुरुषां दे तुहाडे वर्गियां दे बचन बलास ही सुन लवांगे। वो ब्राह्मण कहंदा फिर तुरो। गंगा ते पहुंचे ने, उत्थे सारियां ब्राह्मणां ने भावना वालियां ने दमड़ियां कढ़ कढ़ के पैसे कढ़ कढ़ के गंगा विच सुटे, मथा टेकिया। सारे नदी विच दमड़ियां माया सुट रहे ने। ब्राह्मणों वाल वेख के भगत रविदास जी मुस्कुराए तो जिहड़ी दमड़ी सी ना कोल गंगा विच सुट्टण लई हथ उठाया है। इतिहास विच जिक्र मिलेगा भी ब्राह्मण हैरान रह गए, गंगा दे विचों एक हथ प्रगट होया, वो हथ अगे वधिया रविदास जी अगे ते रविदास ने उस हथ दे उत्ते दमड़ी रख दिती। उस हस्त ने दमड़ी नूं घुट के फिर गंगा विच गुप्त होना कीता, अलोप हो गया। इनू भाई गुरदास जी ने बयान कीता, इस कौतक नूं इस साखी नूं नावण आया संग मिल बनारस कर गंगा थेटा काड कसीरा सौपिया रविदास है गंगत जना हर मां प्यो बेटा। परमात्मा भगतां दा मां प्यो है, पेठ नहीं लगन दिंदा। काशी दे ब्राह्मण हैरान रह गए भी साडे नाल ते खेड वापरी नहीं, भगत रविदास दी दमड़ी किवें लै लई। साध जो मूहों कढे उते पूरा हुंदा ही है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे फुरना भी कर लवे, सोच भी लवे ते ओ भी पूरा हो जांदा है। जो जो चितवै साध जन सो लेता मान, इउं भगतां दी अकाल पुरख लाज रखदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने हर की भगत करहो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए। जो भगती करेगा उन्हों मन इच्छित फल प्राप्त हो जाते ने। ऐसी भगतां दी पहुँच है, ऐसी उन्हां दी अजमत है। इस साखी तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है भी प्रभु अपने प्यारियां दी लाज रखदा है, पिठ नहीं लगन दिंदा। सब तो उच्ची जात ओहदी जिहदे कोल नाम धन है, जिहदा चौंकड़ा है। जिहदा चौंकड़ा है नहीं भावें ब्राह्मणां च पैदा होया होवे, जीवन अजाई चलिया जावेगा। इन्नी करामात इन्नी अजमत हासिल करके भी भगत रविदास जी बड़े निर्माण रहे ने। उन्हां आप ही लिखिया है करामात बारे, अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। कहते मेरे को सारियां करामातां ने, मैं जो चाहे कर सकता है। हुण इहनूं समझ लिओ, सानूं पता नहीं क्यों सिखां नूं समझाया जांदा भी सिक्खी च करामात है नहीं है। थोड़ा जिहा हीला करिया करो। ये जेडे सिक्खी नूं तोड़दे ने प्रचारक, उन्हां नूं पुछिया ते करो ना भी किथे लिखिया करामात है नहीं है। हुण जदों रोज ही कथा करदिआं मैं आखांगा सिक्खी च करामात नहीं है, गुरु कुछ नहीं कर सकदा, बस एक जीवन जाच सिखाउंदा है। जीवन जाच ते फिर स्कूलां विच तुहाडे बच्चिआं नूं टीचर भी सिखाउंदे ने। हुण गुरु नानक साहिब नूं उन्हां टीचरां दे बराबर थोड़ा समझ लैणा है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज गुरु नानक। गुरु नानक वर्गा कोई नहीं इस रूहे जमीन ते। जिहड़े कहंदे करामात है नहीं सिक्खी चों, ना पता नहीं है पढ़िया ही नहीं है। पूरी होई करामात आप सिरजणहार है धारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै स्वारिया। गुरु रामदास इस दा सुप्रीम लॉर्ड, ही गॉट ऑल द मिरेकुलस पावर। हर करामात है गुरु रामदास दे कोल। बड़े बड़े इंग्लिश दे डॉक्टर्स दे अर्थ कीते होए ने, भावना वालियां दे, नास्तिकां दी गल नहीं करदा मैं। हुण भगतां संतां विच करामात है। रविदास जी कहंदे अष्ट दशा सिद्ध 18 सिद्धियां मेरे अगे नचदियां ने, मेरे हुक्म विच चलदियां ने। एक कृपा परमात्मा तेरी है, तू जानत मैं किश नहीं पवखंडन राम। मैं कुछ भी नहीं हाँ, ये तेरी बख्शिश है, ये तेरी कृपा है। सगल जी शरणागति प्रभ पूरन काम। ये सारे लोग समझ लिओ जेड़ा परमात्मा दी शरण आया उन्हूं ये ताकतां मिलदियां ने। उन्हां दे जीवन विच उन्हां दे किसी भी कारज विच विघन कोई नहीं रहिंदा। जो तेरी शरणागता तिन नाही भार, ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार। ऐ काल पुरख कोई उच्चा आखे कोई नीवा आखे, कोई जात दा मान करे, किसे दी जात नीवी होवे, जेड़ा तेरे नाल लग गया ओ तर गया। कह रविदास अकथ कथा बहुकाए करीजै, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजै। परमात्मा तेरे तो बिना होर किसे नूं नहीं ते आया, तेरे तो बिना होर कोई ये बख्शिश कर भी नहीं सकता। नाले भी समझाया भी जगह जगह ना मथा रगड़िया करो, ये कबरा आगे ना दौड़े फिरो, मूर्ता आगे ना दौड़े फिरो। एक करता अकाल पुरख है, बाकी सारी क्रेता है। ये नहीं आख्या भी क्रेत नूं माड़ा आखो, देवी देवतियां नूं महापुरुषां नूं माड़ा आखो। ये आख्या है भी उन्हां दा अदब करो, पर पूजा केवल अकाल पुरख दी जो सदीवी है, बाकी सब मिटण वाले ने। बाबा रविदास जी की शोभा बेअंत हुई, बड़े वो क्रांतिकारी, बड़े वो कल्याणकारी, अगाह वधू विचारां वाले महापुरुष सन। उन्हां नूं दुनिया सदा ही नमस्कार करती रही है ते करती रहेगी। उस भगत की शान विच भाई गुरदास ने एक गल आखी है, भगत भगत जग वजया, चाहो चक्कां दे विच चमरेटा, पाणा गंढे राहा विच कुला धर्म टोए टोर समेटा। जुत्तियां गंढदा है, लोक चमियार कहंदे ने, चौहां चक्कां विच जय जयकार हो गई। जोकर मैले चीथड़ा हीरा लाल अमोल पलेटा, चहु वरना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा। कई बार वेखोगे ना, हीरा मैले बस्तर विच लपेटिया हुंदा है, जिन्ना चिर बस्तर चों बाहर ना आवे उहदी कीमत दा पता ही नहीं लगदा। रविदास जी दी ओह हस्ती है, लोग कहंदे सी चमयार है, जिदन प्रगट हो गया ते उहदी कीमत, उहदी चमक हीरे वाली हो गई, दुनिया विच उहदी जय जयकार होई। जेड़े ब्राह्मण कहंदे सी शूद्र है, पिटे जाईदा मथे लाके, कहंदे ब्राह्मणा समेत चारे वरण ओहदे चरणां विच डिग पए, ओहदी पूजा करन लग पए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भगत रविदास जी नूं भगती दा शिखर मन्निया है, और उन्हां दी प्रसिद्धि बाबत भी गुरदेव लिखदे ने, रविदास टोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। परमात्मा दे दर्शन करके रविदास दुनिया ते प्रगट हो गए। हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहो करे, नानक जन संग केते तरे। वो प्रगट होया, कहंदे जिन्ना भी उहदी संगत कीती वो भी तर गए। ज्ञानवान पर उपकारी, सेवा सिमरन निर्भयता दी मूरत, ऐसे महापुरुष रविदास जी होए ने। ते जेड़ा उन्हां दी सिक्ख्या नूं समझेगा, वो बंदे दी जात दा अदब करना सिख लवेगा। वो समझ जावेगा भी मिट्टी इक्के तो ही सारे भांडे बने ने, कोई चिट्टा है कोई काला है। उच्चा ओह उत्तम संगत उत्तम होवे, जिहड़ा उच्चे रब नाल जुड़ गया। जिहदी करतूत नीवीं है, वो जिड्डी मर्जी उच्ची जात चों होवे, ओहदा दुनिया ते नामो निशान नहीं रहिंदा। नाम जपण वाले दुनिया ते प्रगट रहिंदे ने। जिहड़े इंसान विच इंसानियत ही नहीं, वह बंदा कादा है। एक बड़ा तगड़ा शायर होया शेख सादी, वो कहंदा इंसान राह इंसानियत लाज मस्त, ऊद गरबू नादारद है दमस्त। फारसी दे बोल ने। वो कहंदा है जे इंसान विच इंसानियत नहीं, दया नहीं, सब नूं एक नज़र नाल नहीं वेंदा, सारियां विच रब नूं नहीं वेंदा, ते वो बंदा काहदा, वो ते पशु है। जेड़े रुख विच, जेड़ी लकड़ विच खुशबोई ना होवे, वो चंदन नहीं हुंदी, ते चंदन दा मुल लखां पैंदा है। ते इह जिहड़ी आम लकड़ है, इत्थे तुहाडे बथेरियां हो गईयां, इन्हां दा किन्ना क मुल है किते। जे बंदे विच दया नहीं, इंसानियत नहीं, सारिआं नूं इक अख नाल नहीं वेंदा, ते कहंदे पशु है। करतूत पशु की मानस जात, लाजमी है बंदे च इंसानियत होवे। ते जिहदे च इंसानियत है उही इंसान है जिहड़ा द्रवित हुंदा किसे दे दुख नूं वेख के, जिहड़ा ऊच नीच तों बचिया है। नानक सेई मूए जे नाम ना चित है, भगत जीवे विचारी। जिहड़े नाम नहीं जपदे उन्हां दा शरीर भी दुनिया ते मिट जाना है, नाम भी मिट जाना है। जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां दा शरीर मिटेगा, नाम अमर हो जाता है। तो इस गल नूं समझिओ, नाम करके रविदास जी महाराज उच्चे हो गए। नाम तो बिना खेड़ नहीं चलती। बाणी ने तो इथों तक कह दिता दुनिया का सब तो उच्चा रुतबा ही भगतां संतां दा है। जिहे कुल साध वैष्णो होए, बरन अबरन रंक नहीं ईसर, बिमल बास जानिया जग सोए। ब्राह्मण की वंड अनुसार कोई भी किसी की जात है, जिहड़ी जात विच रब का भगत पैदा हो गया, कहते उस जात की भी महिमा है, वड्याई है। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री, डोम चंडार मलेश मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तार तारे कुल दोए। कहते तू चम्यार है, तू शूद्र ब्राह्मण वैश है, कोई भी तेरी जात है, परमात्मा दे गीत गावेगा ते पवित्र है। आप ते तरेगा ही, होरां नूं भी भवसागर तो तारेगा। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कहंदे जात ते धन हो गई ओदी, धन सो गाओ, धन सो ठाओ। धन पुनीत कुटुंब सब लोए, ओदा पिंड भी धनता दे जोग। भगत दा घर थाओ जिथे रहिंदा सी, ओह वी धनता दे जोग। महाराज कहिंदे ने ओहदा कुटुंब घर वाली तो पैदा होया परिवार भी धनता दे जोग। जिन पिया सार रस, तजे आन रस। होए रस मगन डारे बिख खोए। नाल डेफिनेशन दिती भी किहड़े भगत की गल कीती है, जिन्ने संसार रस छड्डिया है। सानू रस ही बच्चों चों है, घर वाली चों है, परिवार चों है, रुतबे चों है, पैसे चों है। नाम रस दी ते जगह है ही किधरे नहीं मन विच। जिन्हां दे मन विच केवल नाम रस दी जगह है, उहनूं भगत किहा है। जिहड़े विकारां तो बच गए ओह किड्डे कुचे ने। आखण लगे गुरु ग्रंथ साहिब, पंडित सूर छत्रपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। ठीक है, दुनिया राजसी ताकत नूं मानदी है, राजे नूं उच्चा समझदी है, सूरमियां नूं उच्चा समझदी है। विद्वान जन, पंडित जन, चतुर भगते उन्हां नूं उच्चा समझदी है। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे सारे भुलेखे विच ने। भगतां दे बराबर ना राजा ही है, ना कोई ज्ञानी है, विद्वान ही है, ना कोई उच्ची जात वाला ब्राह्मणी है। अध्यात्मक दुनिया विच सब तो उच्चा रुतबा भगत दा है। भगतां अगे राजे भी झुकदे ने, पंडित भी झुकदे ने, विद्वान भी झुकदे ने। भगतां दे अगे समुची लोकाई झुकदी है। जैसे पुरायन पात रह जल समीप, पन रविदास जन्मे जग होए। वो जल दे विच पुरायन हरी जी बूटी तुसी वेखी होनी है, चुपत्ती भी कहंदे आ, हरी के पत्तन है। पानी च रहिंदी है पर असंग है, पानी दे उपर है, जड़ा चाहे पानी च ने। भगत तो है रवे भावें परिवार विच, संसार विच, जिहड़ा विकारां तो बचिया होया है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचिया होया है। तो ऐसे जिहड़े भगत जन ने उन्हां दे तुल इस रूहे जमीन ते कोई होर रुतबा नहीं है। भगतां दी बेअंत महिमा गुरबाणी दे विच प्रगट है। श्रोमणी भगत रविदास जी महाराज दा अज आगाज दिवस है। मैं एक होर बेनती कर दवा, आप संगतां ने उपराला करके सुंदर इमारत गुरुद्वारा साहिब दी बनाई है। देखो, एक साडा सिद्धांत है सिक्खी दा, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने घाल खाए किस हथों दे नानक राहा पछाणै से। सिख किरत करता है, नाम जपदा है, वंड छकदा है। वंड छकण चों दसवंध की प्रथा शुरू होती है। दसवंध की प्रथा दया चों है। तौल धर्म दया का भूत। जे तुहाडे अंदर तरस होगा फिर ही दसवंध दोगे। जे दया है नहीं, मां है नहीं तो काका किथों जमे। गुरु नानक साहब ने दया नूं मां आख्या, धर्म नूं बेटा। तौल धर्म दया का भूत। दया चों प्रथा शुरू हुई दसवंध दी। हुक्म किहदा है? गुरु नानक साहब दा। आ जिहड़ियां गोलकां पईयां ने ये ना आख्या करो कमेटियां रखियां ने, ते गुरु नानक ने रखाइयां ने। ये तो महाराज ने आख्या दसवंध कढ़ना है। तुहाडे दिते दसवंध दे नाल सुंदर इमारतां गुरु घर दियां बन जांदियां। उत्थों सिक्खी दा प्रचार हुंदा है, प्रसार हुंदा है। फिर ये दसवंध जिहड़ा है दुनिया दे वड्डे जिहड़े दुश्मन समझे जाते ने उन्हां नूं खत्म करदा। दुनिया विच वड्डा दुश्मन कौन है? बेरोजगारी। ते जदों बंदा बेरोजगार है तो फिर रोटी कित्थों खावेगा? उहदे लई लंगर पकदा है। दूसरा है लिटरेसी, अनपढ़ता। तुसीं वेखो किन्नियां प्रबंधक कमेटियां ने, साधुआं संतां ने किन्ने स्कूल कॉलेज बनाए ने जिथे लिटरेसी दूर हुंदी है। तीसरा जिहड़े रोग सोग ने जीवन में, किन्ने हॉस्पिटल तुहाडे दसवंध नाल संगतां चलाउंदियां ने। प्रबंधक कमेटियां ने वख-वख शहरां विच हॉस्पिटल खोले ने। वेखो तर्क साधना बड़ा सौखा भी की कीता फलानी कमेटी ने, टमकानी कमेटी ने। ये आवाज़ उदों चुकनी चाहीदी है जदों असीं किसे नालों वध के कोई कौम दा भला कर सकदे। जे नहीं कर सकदे तो फिर हक भी कोई नहीं है सानूं। मैं बड़े हॉस्पिटल वेखे ने देशां देशांतरां च, दिल्ली ताईं आम हॉस्पिटलों नालों अद्धे अद्धे रेट ते दवाई बूटी MRI स्कैन एरा वगैरह की जाती है। ये कित्थों हुंदा है सारा कुछ? गुरु नानक दे हुक्म च जिहड़ा तुसीं दसवंध कढदे हो। एक इत्थे तर्क भी साधिया जाता है, गुरु दी गोलक गरीब दा मूंह। ये तुसीं ये ना सोचो भी ये बहुत नेक नामी लफ्ज़ है ना। तुहाडे दसवंध की मर्यादा नूं कट रहा है लफ्ज़। ये पता की कहते हैं लोग? वो कोई गरीब दिखिया है उन्होंने पैसे दे दिओ, भुल के भी गोलक च ना पाओ। मैनू जवाब दो एक गल दा भी, वो तुहाडे घर दे बाहर एक नंगा फिरदा सी गरीबड़ा, वो कहंदा भाई मैनू कपड़े दे दिओ। हुण तुसीं उन्होंने वस्त्र लैदा दोगे कि अपने प्यो नूं नंगा करके उहदे कपड़े पवाओगे? इहदा जवाब दो। मैनूं कोई वखरे ही दोगे ना। ते जे उत्थे कोई गरीबड़ा आखे भी मन दा कुत्ता रोटी रोटी भौंकदा है, भुख लगी है, उधरों प्यो रोटी खाण लगा, चौंके चोदी थाली चोके रोटी दोगे गरीबड़े नूं कि वखरी पका के दोगे? गरीब दा मूंह गुरु दी गोलक दा भावे सी। गोलक च माया पई ते गरीबड़ियां दी सहायता होई, लंगर पानी वरताया गया। जे इहदे तों लहदा गरीब दी मदद करनी है ते प्यो दा हक खो के नहीं करी दी। तेरे कोल रुपये 10 ने, 10वां हिस्सा गुरु दा। 1 रुपया गोलक च पाउणा, 9 रुपये तेरे। तू उन्हां चों भाई 8 खर्च ला ते 1 रुपया तू गरीब नूं वखरा दे दे। तू जो ₹1,00,000 का पेंट कोट सवाया ही तो तू 50,000 का सवाला तो 75,000 गरीबा वंड दे। तेरा सरदा है? ढाबे ते चाह पीते तू जरूर ताज होटल 500 की चाह पीनी है। अपने नजायज खर्चे घटा लै, नशा पत्ता छड्ड दे ते गरीबां दी सहायता कर लै। गुरुद्वारे नूं ना समझाओ, जिन्नी सहायता गुरुद्वारियां चों हुंदी है गरीब गुरबे दी कित्थों हुंदी है। ते जे कोई प्रबंधक गुरु दा दसवंध छकदा है, ये पाचन शक्ति इदां दी अजे नहीं किसी की बनी भी गुरु का दसवंध पच जाए। तो मैं बड़े बड़े गुरुद्वारों के प्रधान लिलक के मरते हुए तके ने। तो याद रखियो दसवंध की जिहड़ी प्रथा है ना, गुरु नानक साहब ने प्रगट की है। और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का हुक्म है, जो बाबे के दाम ना दे है तिनको गह बाबर के ले है। ये कामरेड चुकाउण वाली विचारधारा कामरेडां दी है। तो अपने नजायज खर्चे रोको, गरीब गुरबियां की सहायता करो। गुरु का दसवंध वखरा विशा है। गुरुद्वारे बनणगे तो प्रचार होगा। घर में कौन किसी नूं वड़न दिंदा है? गुआंढी ओदां नहीं घर आउंदे। हुण गुरु दरबार विच हर जात पात दा बंदा लंगर भी छकदा है, पंगत भी भोगदा है, संगत भी भोगदा है। ते दूसरी तरफ जे आपां ध्यान दईए घर विच समागम होवे ते कई बार शरीक ही नहीं आउंदे। तो ये बड़े बड़े गुरुद्वारे कादे लई ने? फिर कह दवा गुरु दुआरै होए सो जी पाए सी सिखी। प्रफुल्लत रवे खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। दास इत्थे वाणी नूं विश्राम दिंदा है। आप संगतां दा, प्रबंधकां दा, साधुआं सतपुरुषां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।